हम सभी तुलसी के दिव्य रूप से परिचित हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तुलसी का पौधा किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तुलसी के पौधे का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि पौधा हमने दिया है तो वो पौधा देने से हमें क्या फर्क पड़ता है, यानी कि हमें नुकसान होगा या फिर हमें फायदा होगा? वास्तु शास्त्र के अनुसार भी तुलसी को दान देने से क्या फर्क माना जाता है? हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है? आज मैं इसके बारे में ही आपसे बात करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तुलसी को हिंदू धर्म में विशेष सम्मान दिया जाता है और भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ तुलसी का विशेष सम्मान है, वहीं आयुर्वेद की दृष्टि से तो उसमें बहुत प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर तुलसी का पौधा को दिव्य माना जाता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष रूप से महत्व है। कामधेनु से विभिन्न प्रकार की मनोकामना जहाँ पूर्ण होती है, वहीं दान से यश मिलता है। दान से सुखों की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। दान किसी भी वस्तु का दिया जा सकता है, फिर वो चाहे पौधा हो या फिर किसी भी प्रकार की वस्तु। तुलसी का पौधा दान करने से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। यदि आपके मन में भी ऐसा सवाल है कि तुलसी का पौधा किसी को देना चाहिए या नहीं, तो उसका सीधा सा उत्तर है कि तुलसी का पौधा किसी को भी दिया जा सकता है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि हम वो पौधे का दान किस दिन कर रहे हैं। तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को देता है, इसलिए तुलसी का दान करना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों, हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां यानी कि भ्रम के लायक की चीज़ें फैलाई जाती हैं, जिसमें तुलसी के पौधे को देने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या फिर इस तरह की घटना घट जाएगी, उस तरह की घटना घट जाएगी, ये चीज़ कही जाती है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक ऐसा प्रमाण देने वाली हूँ जिससे तुलसी का पौधा देने से क्या होता है। यदि आप भी इस बात को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तो आपके मन से सारे वहम दूर हो जाने वाले हैं। तुलसी का दान करने से महालक्ष्मी की कृपा होती है। जन्म कुंडली में राहु प्रबल होता है, जिससे धन धान्य खूब बढ़ने लगता है। अतः निश्चित रूप से तुलसी का पौधा दान करना चाहिए। तुलसी का पौधा किसी दूसरे व्यक्ति को दान करने से विशेष रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि पौधे में भी प्राण होता है और एक वृक्ष या पौधा 10 पुत्रों के समान माना जाता है। अतः वृक्ष, पौधे आदि का दान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हाँ, वास्तुशास्त्र में कई जगह वास्तुशास्त्रकारों ने इस बात का निषेध किया है कि तुलसी का दान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पौधों का दान करना वास्तु शास्त्र में वर्जित बताया गया है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उसमें तुलसी के पौधे को दान करने की बात कही गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अधिक जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।